अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल इन्फो ऐप पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन है मेरे पास एक उर्दू टाइपिंग की। इस ऐप पे दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, जब आप उर्दू बोलते हो तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाती है, ठीक है। आप बोल कर आसानी से किसी भी ऐप पर उर्दू लिखें, आप इंग्लिश बोलते हो तो आप यहाँ पर आपकी लिखी जाएगी। वो यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है उर्दू वॉइस कीबोर्ड सेलेक्ट, ठीक है। अब ये देखें, मैं अस्सलाम वालेकुम कहता तो अस्सलाम वालेकुम लिखा गया। चले ठीक है, हम तैयार होंगे। तब तुम तैयार हो जाओ, बाकी घर वालों को भी बता दो कि वो भी तैयार हो जाए, आज हम खाना बाहर से खाएंगे। यानी कि ये आप देख रहे हो कि अब बोल कर उर्दू लिखना आसान हो गया है। अब माइक दबा कर बोलते जाएँ और ऐप की आवाज़ से लफ्ज़ टाइप करती जाए। एप्लीकेशन जो आपकी ना, वो आपके उर्दू बोलती रहेगी, यानी कि टाइपिंग होती चली जाएगी। अब दोस्तों ये ऐप डाउनलोड किया, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरी इसकी मैंने दिखा दिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये नज़र आ गई आपको सब, ठीक है। नाम से आपको नज़र आ गया, इनेबल एंड सेलेक्ट एज डिफॉल्ट उर्दू वॉइस कीबोर्ड इन टू स्टेप, ठीक हो गया। अब हम ये जाते हैं प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में हम डाउनलोड करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं। फास्ट उर्दू वॉइस कीबोर्ड इजी उर्दू, जब आप वहाँ पर लिखेंगे ना उर्दू टाइपिंग, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी गूगल प्ले स्टोर में। तो आपने फास्ट उर्दू वॉइस कीबोर्ड को डाउनलोड कर लेना है। ये जो नाम इसका नज़र आ रहा है ना, ये वाला करना है, और जो इसकी शक्ल नज़र आ रही है, यानी कि ये बोलने के साथ साथ ही आपकी जो, जैसे आप बात करते हो ना, तो उस वॉइस को ये ना उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। एक होता है ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, एक होता है ट्रांसलेट, यानी कि कई, यानी कि जिसको कहते हैं ट्रांसलेटर कहते हैं, वो गूगल ट्रांसलेटर में भी ऐसे, और एप्लीकेशनें भी कई ऐसी हैं जो आप उर्दू बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में आ जाएगी बात। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में आएगा हाउ आर यू, ठीक है। और ये वाली जो एप्लीकेशन है, इसमें आप कहेंगे आप कैसे हैं, तो वो लिखा कीबोर्ड बन के आ जाएगा आप कैसे हैं, ठीक है। इस तरह फ्रेंच में अगर ट्रांसलेशन करनी है तो आप इंग्लिश लिखेंगे या उर्दू बोलेंगे तो वो फ्रेंच की लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। जर्मन करनी है, फ्रेंच करनी है, अरबी करनी है, लातिनी करनी है, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो उसमें ट्रांसलेट, वो और एप्लीकेशन है सारी। आज की एप्लीकेशन में मैं आपको सिर्फ यही बता रहा था कि फास उर्दू वॉइस कीबोर्ड ईजी, यानी कि उर्दू में बात करें और उर्दू में ही आपकी वो अल्फाज लिखे जाएंगे। अब मैं इसे ऐप ओपन करता हूँ, उर्दू बोलकर लिखें। ये दोस्तों मैंने ऐप डाउनलोड की है। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो कह रहे हैं टैप टू इंटर, ये मैंने इंटर किया है। ये माइक बंद आ गया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक दोस्तों। अब ये देखें, ये आपके सामने कीबोर्ड आ गया है, वो कह रहे हैं इनेबल कीबोर्ड सेलेक्ट कीबोर्ड। मैं पहले इनेबल कीबोर्ड करता हूँ, ये मैंने इनेबल कीबोर्ड कर दिया है। यहाँ पर लिखा है उर्दू वॉइस कीबोर्ड, ये मैंने इसे इनेबल कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैं वापस चलता हूँ, वो कह रहे हैं सिलेक्ट कीबोर्ड पे आ गया हूँ। वो कहते हैं जी बोर्ड उर्दू वॉइस कीबोर्ड, उर्दू वॉइस कीबोर्ड ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इससे डन हो गया, ठीक है जी। अब ये हो गया डन, डन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसे मैं वापस जाता हूँ, ये मुझे ऐड आ गया एग्जिट। अब मैं इसे तो उर्दू वॉइस टाइपिंग, ओहो ये कैसे कैसे मुझे ऐड आनी शुरू हो गई है, बाद में ओपन करता हूँ। तो ये पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, ये टैप टू इंटर। अभी ये ऐड से मैंने फ्री वाला किया, इस वजह से ऐड आ रही है। जैसे ये ऐड होती है, अब दोबारा ये देखो उर्दू वॉइस टाइपिंग जहाँ पर लिखा हुआ ना, मैं इसे दबा कर रखता हूँ। ये माइक मेरे सामने आया हुआ है, क्या हाल है आपके, देखें अब इसमें नज़र आना चाहिए। टैप माइक टू स्टार्ट। अब टैप माइक टू स्टार्ट को मैं ऐसा करता हूँ, देखो कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं और सुनाएं। ये देखिए आ गया, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं और सुनाएं, कैसी तबीयत है, आपकी मर्जी है। मैं दोबारा
अब ये देखें, वो मैं आपसे ये देखें, ये सारे वर्ड्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितने प्यारे तरीके से इसने टाइपिंग मेरी उर्दू वर्ड्स को, ठीक है, वो टाइप कर दिया है। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ बड़े दिनों से, मैं कुछ भी नहीं बात की, आपको कुछ देना, आप मेरी मर्ज़ी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। यानी कि देखिए आप, ये देखिए जो आप मैंने बात की है वो उर्दू में टाइप हो चुकी है, समझ आ गई है मेरे ख्याल में। एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चल चुका होगा, और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, मज़ा आ रहा है इस एप्लीकेशन को लोड करके। और अगर जिसे कोई इंसान, कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं चलाना आ रहा है कुछ भी, नई टाइपिंग करनी आ रही है, नई पैगाम देने आ रहा है, नई मैसेज करना आता है, नई बात करनी आती है, तो वो इस तरीके से किसी को अपने मैसेज की शक्ल में बात कर सकता है। मेरे ख्याल में ऐप के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी, और मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई मेरे आने वाली वीडियो में किसी और एप्लीकेशन के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात दे सकूँ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।